नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिसके जरिए केवल आप एक क्लिक के द्वारा किसी भी लोगो या किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी हम अपना कोई पर्सनल लोगो बनाते हैं या पर्सनल कोई इमेज बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको हमें कहीं रखने के लिए यदि वो ट्रांसपेरेंट होता है तो अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता लेता हूँ आप किस प्रकार से किसी भी इमेज या किसी भी लोगो को एक क्लिक के द्वारा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाना है और एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाके आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इरेजर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इरेजर को सर्च कर लिया है और सर्च करने के बाद जो हमें जो सबसे पहले यहाँ पे ऐप दिखे देती है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, इसको अपने मोबाइल के अंदर अपने इंस्टॉल करना है। मैंने इसको पहले से अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि इसके द्वारा मैं किसी भी लोगो या किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकता हूँ तथा उसे ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। और यदि आप उस लोगो पे कोई बैकग्राउंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप नीचे वाली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को ओपन करके मैं बता देता हूँ आप किस प्रकार से किसी भी इमेज या किसी भी लोगो का बैकग्राउंड हटाकर उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है लोड ए फोटो, हमें यहाँ से उस फोटो या उस लोगो को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड हम हटाना चाहते हैं और जिसे हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से उस लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो लोगो है इसको मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यदि हमें इसकी साइज में कुछ चेंज करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यदि आपको नहीं करना तो डायरेक्ट आपको जो रन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यदि आपको एक क्लिक के द्वारा इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटाना है और उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ऑटो, जहाँ पे आपको इसका जैसा आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको उसको पकड़ के मूव करना है और मूव करने के बाद आपको इस पॉइंट को जो आपको क्रैच जैसा दिखाई दे रहा है आपको इस पॉइंट को जिस भी कलर को हटाना है आपको उसके ऊपर रखना है। तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कलर है, इसलिए मैं यहाँ पे वाइट पे इसको रख लेता हूँ और रखने के बाद मैं यहाँ से अपने क्लिक को हटा लेता हूँ। तो हटाने के बाद आप देख सकते हो जो इसका बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चला गया है। यदि मैं जो अंदर वाला वाइट कलर है उसका भी बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो इस पॉइंट को इस अंदर वाले के सेंटर में वाइट के ऊपर रख लेता हूँ, तो इसका भी हट गया। अब हमें जो इसके पास वाला इसका भी हटाना तो मुझे यहाँ पे केवल इसको रखना है और वो भी वाइट के ऊपर, तो देख सकते हो ये भी हट चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने बैकग्राउंड को हटाकर उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए यदि आपको अपने अनुसार किसी को हटाना है बैकग्राउंड को तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मैनुअल, आप इस पर क्लिक करके अपने अनुसार आप इरेज कर सकते हो। यदि आपको नहीं करना तो डायरेक्ट आप ऑटो के द्वारा भी इसको कर सकते हो। उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको डन पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करने के बाद यदि आप इसकी जो किनारे पे लाइटिंग है जो वाइटनेस है उसको आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको यहाँ से स्मूथ को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से 4 कर लेता हूँ। तो 4 करने के बाद आप देख सकते हो जो यहाँ पे किनारे पे लाइटिंग थी वो चली गई, मतलब इसका जो वाइट बैकग्राउंड का भाग था वो भी यहाँ से चला गया है। अब हमें इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ ये ट्रांसपेरेंट हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और बैकग्राउंड के ऊपर इसको रखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को ले लिया है। अब चलिए मैं आपको बता लेता हूँ क्या हमारा जो लोगो था वो ट्रांसपेरेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर यहाँ से इस लोगो को ले लेता हूँ। लोगो को लेने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वो आर पार शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप इस ऐप के जरिए किसी भी फोटो या किसी भी लोगो का बैकग्राउंड हटाकर आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।